हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दिसंबर 2019। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमने यूजीसी नेट के लिए एक अलग से चैनल लॉन्च किया है, सो आप हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है, अ फायर ब्रोक आउट ऑन द 1st of January 2019 इन द गोडाउन ऑफ राकेश, इन्वेंट्री ऑफ इनवॉइस वैल्यू ₹1600 वाज डिस्ट्रॉयड। ओके, सो यहां बोला गया है फायर ब्रोक आउट हो गया राकेश के गोडाउन में, जिससे जो इन्वेंट्री है उसकी इन्वॉइस वैल्यू कितनी थी 1600, वो डिस्ट्रॉय हो गई। और जो गुड्स थे उसको इन्वॉइस कितने पे किया गया था, 25% अबव कॉस्ट। ओके, नाउ अब यहाँ पे फर्दर कहा जा रहा है आपसे, द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड टू क्लेम 50% ओनली, द इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड वॉज। ओके, तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एक्सेप्ट किया है, सो आपको इसे कैलकुलेट करना है। सो चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे बोला गया जो इनवॉइस वैल्यू है वो है कितने की, 1600 की। और देखिए ये कितने पे कैलकुलेट किया गया है, 25% अबव कॉस्ट। ओके, सो सपोज यहाँ पे आपकी कॉस्ट थी 100, बट इसको कितने पे कैलकुलेट किया गया है, 125 पे। ओके, नाउ अब देखिए इसको 100 पे लाने के लिए आपको क्या करना होगा, 1600 को आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और 125 से आप डिवाइड कर देंगे। ओके, सो इसकी करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। सो देखिए यहाँ पे आपका होगा 4, यहाँ पे होगा आपका 5। ओके, सो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1280। ओके, सो यहाँ पे 1280 आपका आंसर आ रहा है। ओके, नाउ सो यहाँ पे आपकी जो इन्वेंट्री की उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, ओके, जो कॉस्ट प्राइस है इन्वेंट्री का वो कितना है, 1280, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने कितना एक्सेप्ट किया है, 50%। सो अगर आप 50% करेंगे तो आप 1280 को डिवाइड कर देंगे 2 से, सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 640। ओके, सो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है वो कितना किया है, 640 का। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, सो यहाँ पे आपको बतानी है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट आपसे कह रही है, फॉर द पर्पज ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट द टर्म फंड जनरली रेफर्स टू नेट वर्किंग कैपिटल। ओके, सो यस, सो इसके अंदर जो फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो फंड होता है ये नेट वर्किंग कैपिटल को शो करता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो नेट वर्किंग कैपिटल होता है वो क्या होता है, सो नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। सो अगर आप करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटी को माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा आंसर, नेट वर्किंग कैपिटल। ओके, नाउ अब क्या आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट के अंदर कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताइए आप मेरे को। ओके, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपसे, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज वाइडर कंसेप्ट देन कैश फ्लो। ओके, नाउ अब देखिए जो फंड फ्लो है ये एक वाइडर कंसेप्ट है देन कैश फ्लो, सो ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। बिकॉज देखिए जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है इसके अंदर केवल कैश की रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड किया जाता है, बट आपका जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम कैश फ्लो इसके अंदर करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज को भी रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, सो ये आपका जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये एक वाइडर कंसेप्ट है देन कैश फ्लो। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर सी आपसे कह रहा है, द फ्लो ऑफ फंड मस्ट अराइज ड्यू टू एक्सटर्नल एंड नॉन इंटरनल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। ओके, सो यहाँ पे आपसे बोला गया है जो फ्लो ऑफ फंड है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से अराइज होना चाहिए, ना कि इंटरनल बिजनेस से। सो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज देखिए जो आपका फ्लो ऑफ फंड होता है जो भी एक्सटर्नल सोर्सेज से आपके होंगे उसी को आप रिकॉर्ड करेंगे, ना कि आपके इंटरनल ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सो देखिए आपकी ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी आर करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर डी को एक बार देख लेते हैं, यहाँ आपसे बोला गया है द कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स बाय द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स ऑल्सो इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ फंड। सो देखिए यहाँ पे आपसे बोला गया है कि अगर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व कर रहे हैं बाय इश्यू ऑफ बोनस शेयर, सो इससे आपका फ्लो ऑफ फंड होगा, दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऐसा क्यों है, देखिए रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो आपका अमाउंट पड़ा है
अगर आप उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो देखिए इसके अंदर क्या हो रहे हैं, आपके जो रिजर्व्स हैं वो कैपिटलाइज हो रहे हैं, तो इससे कोई भी फंड फ्लो नहीं हो रहा है। ओके, सो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज इनकरेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री आपसे क्या कह रहा है, गुड डिस्ट्रॉयड बाई फायर ₹50,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड फुल क्लेम। सो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने फुल क्लेम को एडमिट किया है। अब आपको बताना है कि जो क्लेम रिसीवेबल है उसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। सो सिंपल आपसे पूछा गया है कि अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी क्लेम रिसीवेबल की। ओके, सो देखिए जो क्लेम रिसीवेबल होता है तो इसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा बैलेंस शीट। ओके, नाउ जो इसको बैलेंस शीट में क्यों शो किया जाता है, बिकॉज जो आपका क्लेम रिसीवेबल होता है ये हमारा असेट होता है। ओके, सो इसको बैलेंस शीट में असेट साइड शो किया जाता है। ओके, नाउ जब ये क्लेम रिसीव हो जाता है तब हमारा ये कहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, ये असेट से असेट्स में ही रहता है, बट इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, बट अब इसको कैश फॉर्म में शो किया जाता है इन द असेट्स। सो यहाँ पे आपको इसको अंडर कैश में दिखाएंगे, ना कि क्लेम रिसीवेबल के अंदर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर आपसे क्या कह रहा है, नोटिंग चार्जेस आर पेड एट द टाइम ऑफ। सो नोटिंग चार्जेस कब आपको पे करना होता है, देखिए जब भी आपका कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज जब डिसऑनर हो जाता है तो आपको यहाँ पे नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। नोटिंग चार्जेस आपको क्यों पे करने पड़ते हैं, देखिए जो नोटिंग चार्जेस होते हैं ये होते क्या हैं, पहले हम इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए जब भी कोई बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है, ओके, सो यहाँ पे जो पार्टी है, जो भी एग्रीड पार्टी है, उसको उस बिल ऑफ एक्सचेंज को नोटराइज कराना पड़ता है बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। ओके, सो यहाँ पे उसको नोटराइज कराना पड़ता है उस बिल ऑफ एक्सचेंज को, और ये नोटराइज क्या होता है, बेसिकली एक फॉर्मल सर्टिफिकेट होता है। ओके, फॉर्मल सर्टिफिकेट होता है, और ये फॉर्मल सर्टिफिकेट क्या सर्टिफाई करता है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये डिसऑनर हो गया है। ओके, सो ये जो नोटराइज कराना पड़ता है इसके लिए नोटरी चार्जेस पे करने होते हैं, नोटरी चार्जेस इसको बोला जाता है। ओके, सो ये नोटरी चार्जेस को पे करने को क्या बोला जाता है, नोटिंग चार्जेस। ओके, अब ये नोटिंग चार्जेस पे कौन करता है, सो देखिए जो भी पार्टी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर डिसऑनर ऑफ बिल, सो जब भी कोई भी पार्टी जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है उस बिल के डिसऑनर होने के लिए, उसी के वो इस बिल का नोटरी चार्जेस पे करना होता है। ओके, सो इसको कौन पे करता है, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव आपसे क्या कह रहा है, अ नोट इज सेंट टू द कस्टमर व्हेन ही रिटर्न्स द गुड। सो देखिए अगर यहाँ पे कोई भी कस्टमर अगर गुड्स को रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे कौन सा उसे नोट प्रोवाइड किया जाता है। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस गिवन है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, परफॉर्मा इनवॉइस एंड नन ऑफ द अबव। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट होते क्या हैं, सो दैट आप इसका आंसर इजिली कर पाएं। देखिए डेबिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट प्रोवाइड करता है परचेजर। ओके, जो भी गुड्स को परचेज करता है वो प्रोवाइड करता है परचेजर जब भी वो गुड्स को रिटर्न करता है। ओके, जब वो गुड्स को रिटर्न करता है टू द सेलर तो यहाँ पे वो डेबिट नोट प्रोवाइड करता है टू द सेलर, और क्रेडिट नोट कौन प्रोवाइड करता है, क्रेडिट नोट प्रोवाइड करता है सेलर। ओके, और कब प्रोवाइड करता है, जब उसके पास गुड्स रिटर्न में आ जाते हैं तो उसकी जो रिसीप्ट होती है, उसकी जो रिसीप्ट होती है कि जो उसने गुड्स हैं उसे रिसीव कर लिया है, तो उसके लिए वो क्रेडिट नोट प्रोवाइड करता है। ओके, सो यहाँ पे बोला गया है कि जो यहाँ पे जब कस्टमर रिटर्न करता है गुड्स को तो ये कौन सा नोट सेंड करता है, मतलब कि कौन सा नोट भेजता है वो। सो यहाँ पे कौन सा नोट सेंड करता है, वो डेबिट नोट भेजता है टू द सेलर। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।